तरीके से देवबंद में जमात की गई है और जमात में एक मौलाना ने कहा है कि मौलाना मदनी वो क्या कह रहे हैं, मौलाना मदनी जो वहाँ के चीफ हैं, पहले तो इनकी भाषा कुछ और होती थी, आज वो क्या कह रहे हैं, हिंदुओं कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ। अरे हम कहाँ चले जाएं, हमारा तो ये जमीन है, चले जाने के लिए आपने पाकिस्तान बनवाया था, आपको जाना चाहिए था, हम लोग को नहीं जाना है। जिन्ना सैयद अहमद खान ने सबसे पहली बात कॉल दिया था 1886 में, उसके भैया अनारे कंधार किस किसने खाया, खैर छोड़िए कंधार वगैरह छोड़िए। तरीके से लगातार जो आपके मौलाना हैं वो ये कह रहे हैं कि ये देश हमारा है और जिसको हमारे मजहब से परेशानी है वो यहाँ से चले जाएं। अरे बाप रे, कौन कह रहा है? मदनी जी का है, मदनी जी से मतलब ही क्या है हमें? कैसे मतलब नहीं है? आप मौलाना, मदनी जी से हमें मतलब क्या है? मदनी जी कौन होते हैं हमें बताओ? लोग जो है वो धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं ना, वो धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं। वो नहीं है, वो ठेकेदारी नहीं है। अरफा खान, पहली बात मेरी बात सुनिए। हिंदुओं को वो क्या धमकी दे रही हैं? हिंदुओं को धमकी दे रही हैं कि आज जो बोला गया है, अगर सऊदी ने भारत की मदद की तो देख लेना, वो हिंदुस्तान में रह करके बाकी विदेशी ताकतों को भड़का रही है भारत के खिलाफ, जबकि हमारा सऊदी यूएई से हमारा अच्छा रिश्ता है। यहाँ पे जो रह रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन एक अच्छा खासा तादाद है और ये इनका काम है उनको रोकने का, लेकिन ये रोकते नहीं, ये क्या कहते हैं, उन्हीं को जाके हीरो बनाते हैं। आप ये बताइए, मौलाना जर्जिस को जानते हैं? मौलाना जर्जिस अंसारी को जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते कि नहीं जानते हैं? एक बार उनको देखिए, फिर देखिए साला, मतलब वो कितना जहर घोलता है यार, एक बार देखिए यूट्यूब में कितना जहर घोलता है, हिंदू के बारे में कितना क्या बोलते हैं। मुझे मुस्लिम से कोई नहीं है, आराम से मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी क्या बोलता है हिंदू के बारे में एक बार सर्च करके देखिएगा। लेकिन ये जो देश में चल रहा है ना, ये बहुत सही चल रहा है जो ये योगी जी कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है, ना सिख ना ईसाई, सब मिल पट कर रहे हैं, ये देश सबका है, सब आराम से मिल पट कर रहे हैं, ठीक। मंदिर मस्जिद, मेरी बात सुनिए, ये जो मंदिर मस्जिद पर लगातार बातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत होने वाला, धर्म युद्ध होने वाला है। और मेरी बात सुनिए और याद रखिए इसको जरूर, और इसको जरूर शेयर कीजिएगा, एक मिनट इसको जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए मंदिर मस्जिद जो कहते हैं कि ये डिविएशन है वगैरह वगैरह, कोई डिविएशन नहीं है। आपके जहन में अगर ये बात नहीं आ रही कि आपका नौकरी चाकरी जीवन, तो फिर आप किस काम के इंसान हैं? वो तो है ही मुद्दा, लेकिन क्या जो इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनको हम भूल जाएं क्या? ये सही बात, उनको सुधार नहीं सकते। अगर यहाँ पे कोई भी लोग खड़ा है वो कह देगा कि नहीं मंदिर मस्जिद सुन करके तो मेरा दिमाग भटक गया, अरे भाई कैसे भटक जाएगा आपका? आपका तो रोज रोज उसी से जिससे जद्दोजहद चल रहा है, कह रहे हैं चल ही रहा है ना। मदनी जी कह रहे हैं कि हमें कहा गया था कि पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन हमने नकार दिया था उसको, कह रहे हमारा मुल्क है हम रहेंगे इसमें। सुनिए सुनिए, कोई गलती हुई, वही गलती हुई हमारे, कोई नकारा नहीं था। आप उस समय का वोटिंग पैटर्न उठा के देखिए, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स ने वो फेवर में वोट किया था पाकिस्तान के। हुआ ये कि बहुत सारे तो यहाँ भी लोग रह रहे, कैफी आजमी पाकिस्तान की वकालत करते रहे, यहीं रह गए, ठीक है। कैफी आजमी तो एक नाम है ना, ऐसे से हजारों नाम हैं जो कि वकालत किए पाकिस्तान की, वो यहीं रह गए, समझे। वो कह रहे हैं ये मुल्क हमारा है और हमें यहाँ ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं हमारे साथ में जैसे हम कहीं और से आए हों। अगर ये मुल्क आपका था तो इस मुल्क को आपने तोड़ा क्यों? अगर ये उन्होंने बयान दिया, अगर ये मुल्क, अगर ये मुल्क आपका है तो इस मुल्क को तोड़े क्यों? अगर ये मुल्क है तो आपके दो हाथ थे, दोनों हाथ को काट देंगे। आपको तो और मिला लेना चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। आप औरंगजेब को हीरो नहीं बनाते, औरंगजेब के बारे में कोई कुछ बोल लेता है तो आप रोते रहते हैं। औरंगजेब वो आदमी है, उस तरह का वो मतलब बेगैरत इंसान था कि जो हिंदुओं पे जजिया लगा रहा था। ये सही है। वो फरमान दे दे कि आप पढ़िए, आप लोग पढ़िए जाके माशीरे आलमगिरी, आप लोग पढ़िए जाके माशीरे आलमगिरी, माशीरे आलमगिरी नाम की किताब में उसने खुद ये लिखा है कि ये फरमान जाहिर है कि इस मंदिर को, उसमें ज्ञान वापी का नाम है, उसमें मथुरा वाले मंदिर का नाम जाहिर है कि उसने कहा कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद खड़ा करा दो। उस तरीके की जमात हो रही है, ये धर्म के ठेकेदार उधर से भी कह रहे हैं मंदिर बननी चाहिए, कोई कह रहा है मस्जिद बनना चाहिए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, ये जो कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद,
अरे भाई आपका ध्यान कैसे भटक सकता है, आपका दिमाग तो हमेशा उस बात पे रहना चाहिए कि आप कमा, लेकिन जो 500 साल पहले 700 साल पहले गलतियां हुई हैं और उस गलतियों को सुधारा ना जाए, तो अगर 1947 में अगर इन गलतियों को सुधार दी गई होती तो आज ये मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। तो मदनी जी जो है वो एक जनसभा करते हैं, एक जमात बोली जाती है उनकी भाषा में, उसको करते हैं और उसमें कहते हैं, अलग अलग सवाल उठाते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमें डराया जा रहा है, इस तरीके की बातचीत होती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, आखिरकार चल क्या रहा है? सीधी सी बात ये है कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जब विभाजन हुई थी, आप भी जान रहे होंगे, जब विभाजन हुई थी हमारे भीमराव अम्बेडकर को ये लोग फोटो लगा के हर जगह जहां पर इन्हें प्रोटेस्ट करना हो, जहां पर इन्हें प्रोटेस्ट करना हो, ये भीमराव अम्बेडकर का फोटो ले आते हैं। सही बात है, भीमराव अंबेडकर ही ने कहा था कि ये विभाजन मैं नहीं मानूंगा और तब तक नहीं मानूंगा जब तक एक एक मुसलमान वहां ना चल जाता है और एक एक हिंदू यहाँ नहीं आता। ये तो हुई नहीं, आज ये खड़े होकर स्टेज में बोलते हैं। किताब के नाम बता दो, पार्टीशन ऑफ पटेल प्रधानमंत्री होते, पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक भी मुसलमान नहीं रहता। पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान नाम का किताब पढ़ी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसमें क्या कहते हैं कि कंप्लीट पॉपुलेशन ट्रांसफर की बात करते हैं, सारे मुसलमानों को वहां भेजो, सारे हिंदू मुसलमान और हिंदुओं को यहां बुलाओ। और ये कहते क्या, वो हिंदू धर्म के बहुत बड़े क्रिटिक थे, लेकिन ये याद रखिए वो उन्होंने ये भी कहा था उसी किताब में कि मुस्लिम धर्म में कहीं ज़्यादा रेडिकलाइजेशन, कहीं ज़्यादा असहिष्णुता, और मुसलमान कभी कॉन्स्टिट्यूशन और देश की तरफ वफादार नहीं हो सकता, वो वफादार सिर्फ और सिर्फ उम्मा की तरफ होगा, और उम्मा क्या है, मुस्लिम उम्मा, याद रखिए। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।